नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। सागर संभाग से पूरे बुंदेलखंड सहित देश विदेश की ताजा तरीन खबरें और उनके पीछे का सच पूरी सटीकता एवं निडरता के साथ देखने के लिए इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। आइए देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। नमस्कार, आज सागर में कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी हुई है। जी हाँ, दरअसल वकीलों ने बिगुल फूंक दिया है और कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। न्यायालय के सामने से अधिवक्ताओं को हटाने का विरोध किया गया है और स्थायी बैठने की व्यवस्था की मांग की गई है। जी हाँ, दरअसल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत सागर ने शुक्रवार को न्यायालय के सामने सड़क किनारे बैठने वाले अधिवक्ताओं को हटाने के विरोध में विरोध प्रदर्शन किया है। अधिवक्ताओं ने रैली के रूप में कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर और स्मार्ट सिटी सीईओ के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान अधिवक्ताओं ने कलेक्टर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि जिला न्यायालय के सामने सड़क किनारे पीली कोठी से न्यायालय के पास तक अधिवक्ता बैठते हैं और स्मार्ट सिटी द्वारा सड़क किनारे बैठने वाले अधिवक्ताओं को हटाकर डीपीओ कार्यालय के सामने अस्थायी रूप से शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। इससे अधिवक्ताओं को समस्या होगी और इसी को लेकर कलेक्टर और सीईओ स्मार्ट सिटी को ज्ञापन दिया गया है। प्रशासन अधिवक्ताओं को स्थायी रूप से बैठने की व्यवस्था कराए, उसके बाद ही अधिवक्ताओं को हटाया जाए। जब तक स्थायी बैठने की व्यवस्था नहीं होती, अधिवक्ता नहीं हटेंगे। सुनिए जरा क्या कहना है अधिवक्ताओं का। हम लोगों को पता चला है कि पीली कोठी से लेकर जिला न्यायालय परिसर तक जो हमारे अधिवक्ता साथी बैठे हैं, उन लोगों को हटाने की कार्रवाई स्मार्ट सिटी के द्वारा की जा रही है। उसके विरोध में हम लोग आज ज्ञापन देने आए थे। ज्ञापन हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि चूंकि हम लोगों को पूर्व में 1,10,00,000 की राशि और जगह आवंटित न्यायालय के पीछे की गई थी, लेकिन अभी तक शासन प्रशासन ने न जगह दी है न राशि दी है। अधिवक्ताओं की संख्या बहुत ज्यादा है सागर में। वो जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी जीर्ण शीर्ण हालत में हो चुकी है, कभी भी वो ध्वस्त हो सकती है। इसलिए हम सभी लोग प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि हम लोगों के लिए स्थायी व्यवस्था की जाए। जैसा कि अभी हम लोगों को जानकारी मिली है, स्मार्ट सिटी द्वारा हम लोगों को डीपीओ ऑफिस के सामने जगह दी जा रही है अस्थायी तौर से। वहाँ ना तो वकील बैठ सकते हैं, वहाँ जानवर भी नहीं बैठ पाएंगे। वहाँ की आप अगर पोजीशन देख लें तो हम लोगों का सीधा कहना है कि हम लोगों को स्थायी व्यवस्था की जाए, तभी हम लोगों को वहाँ से हटाया जाए। अगर हम लोगों को हटाया जाता है, हम लोगों के न्यायालय पर सरवाली रोड निर्माण